सच कहती हूँ मैं, अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो ये गुंडा क्या, मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। जानना चाहते हो ना कि मैं शिव को क्यों नहीं मारती? वसीयत की वजह से। वसीयत? हाँ, तुम्हारे परम पूजनीय मनहूस दादाजी थे ना, उन्होंने जब अपनी वसीयत बनाई तो उसमें अपना सारा कारोबार, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उन्होंने शिव के नाम पे कर दिया। और पता है जब शिव मरेगा तो ये सब कुछ किसे मिलेगा? ऑफ कोर्स मुझे। नहीं, शिव की पत्नी को। और हमें मिलेगा ठेंगा। तो इसीलिए आपने गौरी को मरवाया था? बोलिए ना मॉम, चुप क्यों है? इसीलिए आपने गौरी को मरवाया था? और फिर उसे और सदमा देने के लिए उसी के बाप को उसके खिलाफ कर दिया। बस फिर जब उसे और सदमा देना था तो शिव को यह विश्वास दिलाया कि वो अपने ही बेटे के लिए डेंजरस है। सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? नहीं देता क्या तुम्हें? नहीं देता क्या तुम्हें? तब्बे ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी, ठीक नहीं है मेरी। जब मुझे फिर भी कमी लगी तब मैंने उसे पागल होने की दवाई देना शुरू कर दी। उसकी दिमागी हालत खराब हो जाए और मजबूरन ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस, हॉस्पिटल, सब कुछ तुम्हें मिले। बेवकूफ तुम्हें। और सब कुछ ऐसे ही होने लगा था, सब कुछ कि ये शक्ति मेरी गली पड़ गई। सच कहती हूं मैं, अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो ये गुंडा क्या, मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।